मुजफ्फरनगर के तितावी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तितावी पुलिस ने चीनी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक साथी चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साथी चोर के कब्जे से लाख रुपए की कीमत के चीनी के कट्टे और 10 टायर ट्रक बरामद किया है। आपको बता दें कि तितावी थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा लालूगढ़ी पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध 10 टायर ट्रक के होने की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा चेकिंग करने पर ट्रक से त्रिवेणी शुगर मिल से चोरी किए गए 436 चीनी से भरे हुए कट्टे बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी वसीम को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये एक छात्री चोर पकड़ा गया है। इसके पास से एक ट्रक बरामद हुआ है जिसमें त्रिवेणी शुगर मिल के 436 कट्टे बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए है। कहां से चोरी किया था? बगरे से। और कौन है तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं, अकेले ही। कहां लेके जा रहे थे तुम? जिन तार दे रहा। अच्छा, तो जिन पहुंचाना था ये ट्रक? नहीं, इससे पहले कितनी बार चोरी कर चुके? एक बार। पहली बार ही था? ये एक शातिर चोर पकड़ा गया है और इसके द्वारा चीनी से भरा हुआ जो ट्रक था, त्रिवेणी शुगर मिल का था, जिसमें 500 कट्टे भरे हुए थे, ट्रक और उस कट्टे बरामद हुए हैं। कुल 436 कट्टे बरामद हुए हैं चीनी से भरे हुए। प्रत्येक कट्टे का वजन 50 किलो है और ये बाकी जो कट्टे हैं वो इसके द्वारा बेच लिए गए हैं, जिनकी रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। ट्रक भी बरामद हुआ और कट्टे भी बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत बरामदगी लगभग 23 लाख रुपए के लगभग है। इससे निश्चित रूप से जो पुलिस का कार्य है वो बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि इसमें लगभग पूरी बरामदगी हो चुकी है। सर, इतनी बड़ी चोरी हुई है, क्या अकेला ही था या और भी कोई लोग हैं इसके गिरोह में? देखिए, ये अकेला था, पहले कंडक्टरी का काम किया करता था। इसके मन में अचानक लालच आया और ये ट्रक, क्योंकि चलाना जानता था, ट्रक लेके चला गया और इसके द्वारा कुछ कट्टे बेचे भी गए और बाकी पुलिस द्वारा इसे पकड़ लिया। सर, पूछताछ में बताया इसने कहाँ बेचता है, क्या करता है? हाँ, इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये फुटकर सब पूरी डिलीवरी देने का इसका विचार नहीं था। ये फुटकर जो कट्टे थे वो 10-10 5-5 करके बेचता और जिससे पता नहीं चल पाता, क्योंकि सारा माल बिकता तो पता चल जाता। इसका विचार ये था कि छोटे कट्टे बेचेगा कम अमाउंट में और उसके बाद फिर ये पूरा धीरे धीरे पूरा करके बेच देता। पहले कोई घटना कर चुका है सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका? अभी तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई पता नहीं चला है, लेकिन निश्चित रूप से जब चोरी एकदम से बड़ी चोरी आदमी नहीं कर सकता, कुछ चोरी इसने ज़रूर की होगी, हो सकता वो उसका खुलासा ना हुआ।